नमस्कार। खबर दिनभर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन में दिनभर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कुछ नई खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले शाजापुर जिले का जिक्र, जहां सुंदरसी थाना इलाके में आर्मी जवान की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आर्मी जवान का शव काली सिंध नदी के किनारे संदिग्ध अवस्था में पाया गया है। 26 वर्षीय आर्मी जवान की पहचान जसवंत सिंह के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का ये रहने वाला था और बताया ये भी जा रहा है कि भारतीय सेना के जवान पुणे में तैनात था और छुट्टी लेकर अपने घर सांबा जम्मू के लिए झेलम एक्सप्रेस ट्रेन से निकला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर आर्मी का ये जवान जिस जगह लाश मिली है उसकी, आप वहां पर वो कैसे पहुंचा? जवान जिस झेलम एक्सप्रेस ट्रेन से जम्मू के लिए रवाना हो रहा था, तब ये बताया जा रहा था कि ना तो उसका रूट शाजापुर जिले से होकर गुजरता है, ना ही जहां पर लाश मिली है वहां पर कोई रेलवे ट्रैक है। और ऐसे में जवान की मौत की गुत्थी सुलझना मुश्किल लग रहा है, चुनौती पुलिस के लिए। जानकारी मिली थी कि घटिया के पास जो नदी है काली सिंध, वहाँ पे एक डेड बॉडी है। तो थाना सुंदर सिंह वहाँ पे पहुँचे, फिर उसका आधार कार्ड और पेंटिंग कार्ड मेरे को व्हाट्सअप किया, तो मैंने बोला मैंने कि आर्मी का बंदा है ये। फिर इसकी पूरी जानकारी निकाली गई, इसके घर वालों का एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर निकाले। मैंने भी उस टाइम पर, मैं कोतवाली थाने में बैठा था, उसी टाइम पर राजौरी से कॉल आया था, आर्मी यूनिट से, इसकी यूनिट से आया था वहाँ पर कॉल। तो उन्होंने बताया कि हमारा ऐसा ऐसा बंदा। फिर मैंने उनको जानकारी दी, उनके CO से बात करी और उनके CO ने मेरे से बोला कि हमको मदद की जरूरत है एम्बुलेंस की, और इनके तो मैं बोला मैं करवाता हूँ, आपकी बॉडी को वहाँ तक भिजवाएंगे। सिपाही जसवंत सिंह थे और RT रेजिमेंट में पोस्टेड थे। इनकी यूनिट बेस यूनिट राजौरी में है और ये पूना में पोस्टिंग थी इनकी अभी, और पूना से जम्मू जा रहे थे छुट्टी। अब पूना से जम्मू ट्रेन से जा रहे थे, उसके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो भगवान ही जाने। किस हाल में बॉडी मिली? बॉडी तो इनकी मतलब ऐसी इस हाल में मिली, बंदी हुई थी और कम से कम दो तीन दिन पुरानी बॉडी। किसी ट्रेन में रिजर्वेशन था इनका? झेलम एक्सप्रेस में इनका रिजर्वेशन था। सही की सुनील ज्यादा जानकारी देंगे। सुनील, जिस अवस्था में बॉडी मिली है, जितने भी तथ्य अभी तक सामने आए, शायद किसी विवाद को लेकर अभी तक जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई हो, लेकिन अभी तक क्या सुराग लगे हैं पुलिस के हाथ? देखिए अमित, सबसे बड़ी बात की क्योंकि ये कुछ भारतीय सेना में जवान थे और जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, अभी फिलहाल पुणे में पदस्थ होना बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात की जो प्रारंभिक जानकारी उसके मुताबिक ये जो जवान है ये पुणे से जो है जम्मू अपने घर की ओर निकला था और झेलम एक्सप्रेस में इनका रिजर्वेशन था। अब सबसे बड़ी बात की शाजापुर जिले में जिस जगह ये डेड बॉडी इनकी मिली है, ना तो वो इनके रास्ते में रूट है, ना वो बाय रोड है, ना बाय ट्रेन रूट है, तो बॉडी कैसे पहुंची वहां तक? दूसरी बात की जो बॉडी मिली है वो भी लगभग 48 घंटे से ज्यादा पुरानी बताई जा रही है। तो जो जवान की मौत है वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है। हालांकि पुलिस की जांच में ये आगे साफ हो पाएगा कि इस पूरी मौत के पीछे की असल वजह क्या है, लेकिन अभी फिलहाल उनके परिजन जो पहुंचे हैं वो खुद इस पूरे वाक्य से जो है बिल्कुल हैरान थे। पुलिस भी ये सोच रही है कि आखिर जवान अगर पुणे से जम्मू के लिए निकला था तो फिर शाजापुर में कैसे पहुंचा, क्या क्या लिंक था, जवान खुद पहुंचा या वो और किसी के साथ था, ये कोई हादसा है या फिर ये कोई वारदात है? क्योंकि सेना का जवान है और अपने ड्यूटी से घर जा रहा था, तो तमाम तरीके की बिंदुओं पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस के पास प्रारंभिक तौर पर कोई भी ऐसा एंगल नहीं जिसको लेकर स्थिति स्पष्ट हो कि जवान की मौत कैसे हुई है। परिजनों को शव सौंप दिया गया है, परिजन कल उसे लेकर बाय एयर जम्मू के लिए रवाना होंगे और पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी चलिए, अब देखना होगा किस तरह से पुलिस इस गुत्थी को सुलझाती है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील फिलहाल जानकारी के लिए। रायपुर की अब चर्चा करेंगे, जहां पुलिस ने दबिश दी है 6 स्पा सेंटर्स के खिलाफ। पुलिस की बड़ी कार्रवाई जिसमें संदिग्ध हालत में 12 युवक युवतियां पाए गए, सभी से पुलिस अब पूछताछ करने में जुटी हुई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, राजधानी रायपुर का इसमें जिक्र, जिसमें पुलिस की तरफ से ये बड़ा ऑपरेशन स्पा सेंटर्स के खिलाफ। क्या स्पा सेंटर्स की आड़ में देह व्यापार चल रहा था, इस एंगल के जरिए भी पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जितने भी लोग हिरासत में लिए गए उनसे पूछताछ जारी। राजधानी रायपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां डेकोरेशन की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई। पंडरी स्थित दुकान में आग लगी है, फायर ब्रिगेड की टीम फौरन यहां पर पहुंची, आग को बुझाया गया है। पंडरी थाना क्षेत्र का ये पूरी घटना, ये तस्वीरें घटनास्थल की हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही आग लगी फौरन अफरा तफरी मची और फायर ब्रिगेड की टीम को, पुलिस को यहां पर बुलाया गया।
सूचित करने पर फौरन फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। दुर्ग की अब चर्चा करेंगे, जहां आज सट्टेबाजों पर शिकंजा कसा गया है। महादेव ऑनलाइन सट्टा पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भिलाई के फौजी नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सट्टे का खेल चल रहा था। कई मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम कार्ड और चेकबुक जब्त किए गए। जामुल थाना क्षेत्र का यह मामला। लोग विदेश में रहते हैं, विदेश में जिनकी गिरफ्तारी है उसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर रहता है, जिसमें भारत सरकार के माध्यम से कार्रवाई की जानी होती है। फिलहाल जो है, हम लोगों ने इनके आने जाने पे नजर रखने हेतु जो लुकआउट सर्कुलर होता है वो जारी करने का प्रयास चालू किया है, जिसमें हम लोगों ने भारत सरकार को लेटर भी लिखा है कि अगर ये अपने पासपोर्ट नंबर से भारत में आना या भारत से जाना चाहते हैं तो तत्काल जानकारी हमको मिल जाए। और इस तरीके से जितने लोगों के नाम हमारे पास में, सबके अगेंस्ट इस तरीके का सर्कुलर जारी किया जाएगा। राजधानी रायपुर का ही आगे जिक्र, जहां बीजेपी नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। शासकीय जमीन पर कब्जे को लेकर हंगामे की स्थिति पैदा हुई और उसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आपस में ही विवाद करने लगे, आपस में भिड़े हैं। वार्ड 54 में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की स्थिति, वीडियो जिसका वायरल होता हुआ। दोनों पक्षों के लोग फौरन थाने पहुंचे और थाने में पूर्व विधायक नंदे साहू ने मध्यस्थता की। स्थिति आप देख रहे हैं राजधानी रायपुर की, जहां बीजेपी कार्यकर्ता और नेता आपस में भिड़े। शासकीय भूमि पर कब्जे को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। इधर बिलासपुर में खनिज विभाग की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अवैध रेत खनन के खिलाफ ये कार्रवाई, अवैध रेत परिवहन के खिलाफ यहां पर जैसे ही पुलिस दबिश देने पहुंची, टीमें जैसे यहां पर पहुंची, ट्रैक्टर्स और हाईवा को जब्त किया गया है। शहर के कुदूदंड कोनी और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रेत खनन लगातार चल रहा है। जोंधरा, मस्तूरी, दर्री घाट, लावर पौड़ी में अवैध रेत खनन की सूचना पर फौरन विभाग की टीम पहुंची। कुल 23 मामले इनके खिलाफ दर्ज हैं, अलग अलग मामले जिसमें अवैध रेत परिवहन पाया जाता है। बिलासपुर में एक व्यक्ति के साथ 25 लाख रुपए की ठगी हुई है। आपको बताएं कि नौकरी लगाने का झांसा दिया गया था और उसी के एवज में 25 लाख रुपए मांगे गए। फूड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति देने का वादा था, लेकिन उसके बाद 25 लाख रुपए की ठगी जैसे ही पीड़ित चंद्र प्रकाश गुप्ता के साथ हुई, फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी हेमंत पवार के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, तलाश भी आरोपी की जारी है। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां महिला ठग गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से। आरोपियों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। महिलाओं को अपना शिकार बनाया करते थे। सोने चांदी के जेवरात इनके हवाले से जब्त किए गए, साथ ही साथ 80,000 रुपए नकद भी बरामद हुए। सकरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। और बिलासपुर में ही पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ भी शिकंजा कसा है। 15 किलो गांजा के साथ युवक गिरफ्तार हुआ है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1,74,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी यूपी के बांदा जिले का निवासी है। आरोपी का नाम शुभम उपाध्याय बताया जा रहा है। सिविल लाइन पुलिस और ACCU की टीम की बड़ी कार्रवाई। सागर के रैपुरा पहुंचे मंत्री गोविंद सिंह अतिक्रमण प्रभावितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। वन विभाग द्वारा किए गए अतिक्रमण की कार्रवाई से प्रभावित सभी प्रभावितों को 2 दिन में पट्टे मिल जाएंगे, घर बनाने में भी मदद करूंगा उनकी तरफ से कहा गया, और साथ ही साथ किसी को कोई परेशानी नहीं होगी ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। सागर कलेक्टर दीपक आर्य को जरूरी दिशा निर्देश दिए गोविंद सिंह राजपूत। दिग्विजय सिंह जी बहुत जल्दी ट्वीट ट्वीट खेलते हैं। आजकल उनके ट्वीट करने की उनकी हैबिट बहुत पुरानी है। मुझे लगता है कि उनको किसी छुटभैये नेताओं ने गुमराह किया। उन्हें लगता है कि मकान मैंने गिरा दिए, उनका ट्वीट आया कि मकान गोविंद सिंह राजपूत ने गिरवा दिए। जब उन्हें सत्यता पता लगी कि मकान गोविंद सिंह राजपूत ने नहीं गिरवाया, गोविंद सिंह राजपूत को पता भी नहीं है, ये तो फॉरेस्ट विभाग की कार्रवाई है, तब वो थोड़े सकते में आ गया, दाव गलत पड़ गया। तो दिग्विजय सिंह जी, आपका दाव गलत पड़ गया था, गलत दाव मत लगाओ यहां। ये सुरखी विधानसभा के लोग परिवार की भावना में रहते हैं,
जात पात की राजनीति में आप भड़काओगे तो भड़काने में आप आग घी डालोगे, लेकिन ये हम लोग यहाँ के लोग जलने वाले नहीं है, सही परिवार के लोग हैं, वैसे ही रहते वैसे ही रहेंगे। इंदौर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्षी एकता पर भी निशाना साधा, कहा कि पटना में जिस प्रकार टूटा फूटा विपक्ष इकट्ठा हुआ है उससे साफ होता है कि सभी लोग निजी स्वार्थ के लिए एकजुट हो रहे हैं। इनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत भी धमकी से हुई, आम आदमी पार्टी का रुख आप सबके सामने भी है। जिस प्रकार से गांधी खानदान के वारिस का उपहास स्वयं लालू जी ने किया, ये बताता है कि विपक्ष के पास ठोस राजनीतिक या आर्थिक मुद्दे नहीं है। पटना में जिस प्रकार से टूटी फूटी विपक्ष इकट्ठी हुई, इस बात का संकेत देते हुए कि वो निजी स्वार्थ के लिए एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल की विपक्षीय पारी की शुरुआत पॉलिटिकल ब्लैकमेल से हुई, आम आदमी पार्टी का रुख आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। दूसरी ओर जिस प्रकार से गांधी खानदान के वारिस का उपहास स्वयं लालू जी ने किया, ये इस बात का संकेत है कि विपक्ष के पास ठोस राष्ट्रीय राजनीतिक आर्थिक मुद्दे नहीं है। और उधर ग्वालियर और पन्ना में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बिजली व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। ग्वालियर में फूलबाग पर आयोजित 2 घंटे के धरने पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी शामिल हुए। आपको बताएं कि कांग्रेस के पदाधिकारी, मोर्चा और संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पन्ना में पुरानी कचहरी के पास कांग्रेस ने विशाल जंगी प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट तक विशाल रैली निकालकर महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपा। सम्मानित नेता सम्मानी अशोक सिंह जी, हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष संघर्ष। और वहीं कांग्रेस के हल्ला बोल प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री और पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने निशाना साधा, कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी भ्रष्टाचार का विरोध कर रही है। 15 महीनों की सरकार में उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसे लेकर जनता को लाभ मिला हो। मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पार्टी भी की। दुर्ग की अब चर्चा करेंगे जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवंगत विधायक विद्या रतन भसीन के परिजनों से मुलाकात की है। रायपुर नाका से जामुल सड़क का नामकरण भी किया है। विद्या रतन भसीन के नाम पर अब ये सड़क पहचानी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी घोषणा करते हुए नजर आए। हमेशा हम सबके सुख दुख में वो खड़े रहते थे और बहुत ही मृदुभाषी थे, मिलनसार व्यक्ति जाना निश्चित रूप से हम लोगों के लिए उनका पुण्य क्षति है। विधायक के रूप में, महापौर के रूप में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। विधानसभा में भी हम लोग हमेशा मिलते थे, भले दल अलग अलग हो लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम लोग बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। और अभी जैसे परिवार वालों के ये उसके स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए रायपुर नाका से लेकर जामुल बोगदा तक की जो सड़क है उसके नाम से उसके नाम से रखा जाए, तो मैं उसकी स्वीकृति प्रदान करता हूँ, उसकी घोषणा करता हूँ कि ये रायपुर नाका से लेकर जामुल बोगदा तक की जो सड़क है वो विद्या रतन भसीन जी के स्मृति में उसको रखा जाएगा। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की और दुर्ग के सिविल लाइन स्थित कचना घुरबा देवालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पारंपरिक मुकुट पहनाकर समाज के लोगों ने स्वागत किया। केंद्रीय गौर महासभा धमधागढ़ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। सीएम ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में समाज का बड़ा योगदान है, इससे समाज में क्रांति आ रही है। वहीं उन्होंने समाज को 50 लाख रूपये देने की भी घोषणा की। दुर्गावती के बलिदान दिवस और जिन्होंने मुगलों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे दिव्य आत्मा को नमन करने उसे स्मरण करने का आज दिन है और बड़ी संख्या में हमारे गुणवाना समाज के लोग आए थे और बहुत सफल कार्यक्रम और इस अवसर पर रानी दुर्गावती के योगदान को सब लोगों ने न केवल स्मरण किया बल्कि उसे नमन किया। और ये जगह हमारे आदिवासियों के गोंड समाज के ये धार्मिक स्थल भी है,
कंकालीन मंदिर भी है और यहाँ हर साल कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो यहाँ एक बढ़िया भव्य सेट बने इसके लिए मैंने 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी भोपाल पहुंची और यहां पर न्यूज 18 से बातचीत की। मालिनी अवस्थी ने कहा कि लोक गायकी में युवा पीढ़ी का आना शुभ संकेत है। मालिनी अवस्थी ने राम राज्य को लेकर कहा कि सबके लिए शासन हो और सबके लिए बराबर सुशासन हो। उन्होंने आदि पुरुष पर भी अपनी बात रखी। हमारे संवाददाता ने उन्हें खास उनसे बातचीत की है। पद्मश्री से सम्मानित लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी इस वक्त हमारे साथ, उन्हीं से बात करेंगे। मैम बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पे। बहुत बहुत आभार। मैम लोक गायकी में आप बड़ा नाम है, लेकिन आपको लग रहा है कि अब जो यूथ हैं वो भी अब लोक गायकी में आ रहे हैं और बतौर करियर अब इसको अपना रहे हैं? जी, हम लोगों ने मुझे लगता है बहुत शुभ संकेत है पहली बात तो, क्योंकि जब तक नई पीढ़ी में संस्कार या संस्कृति के प्रति आदर और प्रेम नहीं होगा, कोई भी चीज़ आगे बढ़ेगी कैसे, सवाल ही नहीं उठता। और इसे कैरियर में लेना, ये तो एक अलग बात हो गई। हम लोगों ने भी इसको जीवन में उतारते उतारते मंच पे पता ही नहीं चला कि कब वो कैरियर भी बन गया हम लोगों का। आज इसके दोनों पक्ष हैं, नए बच्चे बहुत सारे जो सफलता देख कर लोक कलाकारों की, लोक कला से जुड़ना चाहते हैं, गीत सीखना चाहते हैं और इसमें एक बड़ी संभावना देख रहे हैं, उनके एक ही उनके लिए एक मशवरा है। तो लोग कहीं से जुड़ रहे हैं मैम, तो लग रहा है अपनी जड़ों से भी तो जुड़ रहे हैं। ये भी यही तो कह रही हूँ, वही कि मशवरा यही कह रही हूँ उनके लिए एक मशवरा है कि किसी भी प्रकार की मंची अभिव्यक्ति तभी सार्थक होगी जब आप भीतर से लोक संस्कृति से जुड़े होंगे। तो आप लोक गीत गाएं, आप लोक नृत्य करें, आप लोक नाट्य यानी फोक थिएटर करें, लेकिन जब तक गांव से सीधा मिट्टी से जुड़ाव नहीं होगा उसमें असर नहीं आता। लेकिन बहुत शुभ संकेत मैं तो देखती हूँ इस समय, जो आज का भारत है, आज का युवा है, वो अपनी जड़ों से जुड़ना चाहता है। मैम अभी आपने शुभ संकेत का जिक्र किया, तो एक और बात कर लें कि राम राज्य की बात हो रही है, आपको लग रहा है कि सही मायने में राम राज्य स्थापित हो रहा है, राम मंदिर भी बन रहा है? राम राज्य एक आदर्श है। राम राज्य जब भी हम बोलते हैं तो राम राज्य एक उस आदर्श की तरह हम सबके मनोमस्तिष्क में स्थापित है कि जहाँ एक ऐसा शासन जहाँ पर मर्यादा स्थापित हो, मर्यादा सही की, जिसको कि राम ने हमारे सामने रखा है। राम ने स्वयं अपने जीवन में उतारा कि किसी के कहने में पत्नी तक का त्याग किया, मर्यादा ऐसी कि उनके भाई ने निभाई कि वो 14 वर्ष तक यदि चले गए तो उनकी पादुका लेकर आए कि शासन होगा तो पादुका करेगी। ये एक हम लोगों के सामने आदर्श के रूप में है और हर शासक किसी भी राज्य का हो, किसी भी गाँव का, तहसील का हो, देश का हो, उसके हृदय में भारत का यदि है तो राम राज्य का आदर्श रहता है कि सबके लिए शासन हो, सबके लिए बराबर सुशासन हो। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी हैं, जिन्होंने यही कहा कि बहुत शुभ संकेत है कि युवा पीढ़ी लोक गायकी में आगे आ रही है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि वो अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति अपनी परंपराओं को ना भूलें। लेकिन अभी जिस तरीके से जो फिल्मों को लेकर जो ट्रेंड चल रहा है उसमें लोग ये ध्यान रखें कि समाज की भावनाएं आहत ना हो। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।